बिजनौर थाना क्षेत्र के ग्राम रावली के समीप पशुओं के लिए चारा लेकर आ रही नाव गंगा के तेज बहाव में बह गई, जिसमें 5 लोग सवार थे। ग्रामीणों की मदद से 2 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 3 लोग लापता है। जिले के अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। जी, क्या नाम है? क्या नाम है? क्या हुआ, कहाँ आप जा रहे थे और कैसे? घास लेने गए थे जंगल में, पानी में किश्ती डूब गई हमारी। कितने लोग सवार थे? 5। कैसे हादसा हुआ, क्या पानी की तादाद ज्यादा थी? हाँ। तो कितने लोगों को निकाल लिया, कितने अभी वहाँ पे? 2 मिले अभी तो। और कितने फंसे हैं? 3। क्या आपके अंदाज में कितना पानी होगा जब ये डूबी है नाव? अब वैसे कोई नाप थोड़ा रखा हमने, कितना है पता नहीं, पर बाकी घना है। गंगा चल रही पूरी। कितने बजे हादसा हुआ ये? कोई 2 बजे 2:30 बजे थे, 2:30 बजे में घर से आए तो 2:30 बजे। क्या कोई प्रशासन का अमला वहाँ मौके पे पहुँचा अभी राहत कार्य के लिए? एक डोंगी यहाँ से भगाई हमने, एक वो डोंगी पहुँची है वहाँ। तो कोई प्रशासन का अमला वहाँ पहुँचा मौके पे? मौके पे बाद में गई है डोंगी, 2 आदमी मिले। किसी ने बताया? वो भी बताया, आके एक ने फोन करा हम पे जब पहुँचे हो। घटना हुई है, ये चारा लेने जाते हैं पशुओं के लिए, अभी अचानक पानी आ गया। उधर से जब चले तो सामने वो किश्ती डगमगा गई और 5 लोग थे हमारे गांव के, बस ये नीचे को बह गए। धार बहुत तेज चल रही है, वो पड़ रहे हैं, हल्पे ऐसे होती है, हल्पे बोलते हैं उन्हों, वो डगमगा गए और 5 अलग अलग हो गए। कोई 1-2 आदमी घास की गड्डी के सहारे से वो किनारे पर लग गए, और बाकी 3 आदमी का अभी तक पता नहीं है कि वो पता नहीं कहाँ था, कैसे। क्या कोई राहत कार्य चल रहा है प्रशासन की तरफ से? अभी तो ये अधिकारी लोग आए हैं, अभी अंदर तो कोई राहत कार्य नहीं चला है, अभी आए हैं ये लोग, अब देखो क्या करते हैं।